ओके सो अस्सलाम वालेकुम मियां, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव बिन आस्किंग मी फ्रॉम पाकिस्तान के वेदर आई एम वॉचिंग खुदा और मोहब्बत सीजन 3 और नॉट। एपिसोड 5 तक रिलीज हो गया, मैंने कितना देखा कितना नहीं देखा। सो टुडे आई विल अपडेट यू विद ऑल द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन माई लाइफ राइट नाउ, क्योंकि मैंने खुदा और मोहब्बत अभी तक नहीं देखा था। पर अभी अभी मैं एपिसोड फर्स्ट देख करके उठी हूँ। मैंने इतना लेट इसलिए चालू किया क्योंकि आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो कि यार आज रिलीज हुआ है तो पहला एपिसोड आज देख लिया, फिर उसके बाद एक वीक तक वेट करें और फिर उसके बाद एक वीक बाद आप सेकेंड एपिसोड देखो। इट्स नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। पर अभी मुझे लगा 5 एपिसोड रिलीज हो गए तो अब मुझे देखना चाहिए। विदाउट एनी एस्टॉनिशमेंट मुझे करना ही था रिव्यू, क्योंकि मेरा मन था यार कि एक बार मैं एटलीस्ट पाकिस्तान के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे भाईजान, मेरे बहने या वट एवर यार, मेरे फ्रेंड्स, तुम लोग सबके सब फैमिली देख रहे हो तो मैं अपडेट तो कर दूँ कि मैं देख रही हूँ या नहीं। और फिरोज खान की एक्टिंग, इट वॉज लाइक ऑन टॉप। जो कैरेक्टर बिल्ड किया है बंदे ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर लड़की का क्रश होंगे वो। ऐसा है क्या? अगर है तो कॉमेंट्स में बताओ। मुझे लगता है लड़कों को भी बहुत पसंद होंगे वो, एक्टिंग ही इस तरीके की है बंदे ने यार। इकरा अजीज, मतलब अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स है बोथ ऑफ देम। अभी तो स्टोरी बिल्ड हो रही है, अभी तो दोनों एक दूसरे से मिले भी नहीं है पहले एपिसोड के अंदर, दूर दूर से, मतलब बस एक स्टोरी पूरी बिल्ड कर रहे हैं कि कैसे, मतलब इकरा जो है अपनी फ्रेंड के निकाह के अंदर गई हैं और अब वो लोग मिलेंगे और रेलवे स्टेशन पे उन्हें, मतलब एक लड़के का, दूसरे लड़के का उनके ऊपर क्रश आ जाता है और यार उस लड़के का तो बुरा वाला कटेगा। मतलब वो जो बाबा जी थे उन्होंने रेलवे स्टेशन पे पहले ही उनसे कह दिया था कि बेटा सब कुछ खत्म होने वाला है, लड़के को हो जाएगा इकरा अजीज से प्यार और फिरोज खान और इकरा को आपस में प्यार हो जाएगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। मतलब प्रिडिक्टेबल है, पता चल रही है, पर यार बहुत दुखी कर देगी ये मुझे पता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप कभी कभी ऐसा ना घुस जाते हो किसी किसी वेब सीरीज के अंदर कि उस सीरीज में से निकलना मुश्किल जाता है, वो आपको अपनी जिंदगी लगने लग जाती है। इज इट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और समथिंग? क्योंकि मेरे साथ होता है ये। पहले भी मैंने एक वेब सीरीज देखी थी अपहरण और मैं बुरा वाला घुस गई थी उसके अंदर। मतलब इट वॉज इम्पॉसिबल उस समय पे एक महीने तक तो कि उससे बाहर निकल पाऊँ। तो आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन अगेन, बट आई थिंक इट विल हैपन एंड इट इज हैपनिंग विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल राइट नाउ। अमेजिंग पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इज अमेजिंग। मतलब कोई वो सास बहू टाइप के सीरियल नहीं है, वो एकता कपूर वाला है उससे जिसमें क्या छोटी तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मतलब एक एक्स्ट्रा ओवर ड्रामेटिक मेलो ड्रामा हो जाता है ना, वो वाली चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये एकदम नेचुरल, एकदम रियल है। और अब्बा जान की एक्टिंग बहुत सही थी, मतलब एक रियलिटी में लग रहा था कि यस। इस वेब सीरीज के अंदर हर एक कैरेक्टर की एक्टिंग सो फ्रीकिंगली परफेक्ट कि मैं क्या बताऊँ। मतलब जो उनकी बहन है, भाई है, अब्बू अम्मी, एवरीवन इज प्लेइंग अ वेरी परफेक्ट रोल यार। बहुत तगड़ी एक्टिंग चल रही है। वो जो OST है ना, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, वो मेरे दिमाग, वो तो मेरे इतने टाइम से फिट हो रखा है दिमाग में कि मैं क्या बताऊँ। मतलब क्या गाया है, एक तो टाइटल ट्रैक इतना तगड़ा गाया है इन लोगों ने कि यार आप, मतलब आप रोक नहीं सकते अपने आप को उस सीरीज को देखने से। मतलब कितना भी ट्राई कर लो, मैंने ट्राई किया कुछ दिन, बट इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप योर सेल्फ आफ्टर वॉचिंग द टीजर्स, स्पेशली वो ट्रेलर, टीजर, OST देख करके तो कोई भी नहीं रोक सकता अपने आप को ये सीरीज देखने से। प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि कैसी लग रही है आपको वेब सीरीज। और बहुत सारे लोग ना मुझे ये कह रहे थे कि season 1 देखो, season 1 इज नेक्स्ट लेवल फार्ड, ये वो। तो मुझे बताओ कि season 1 मुझे देख के उसका रिव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आई विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू यू गाइज ओनली। और एक वो कैरेक्टर था ना जो वो बंदी थी यार, वो झांकती थी उनकी छत के ऊपर से यार, माशाल्लाह। मतलब देख के तो इतने मजे आ गए थे। चुलबुली सी बंदी, फनकी सी, आकर के बार बार पोक कर रही है वो एक तरीके से फिरोज खान को, और फिरोज खान पोक हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। जब एपिसोड देखूंगी ना, जैसे कि आज मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा तो मैंने उसका रिव्यू दे दिया, कल मैं सेकंड देखूंगी, क्योंकि यार एक वीक का वेट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक एक दिन करके यू कैन मैनेज इट। अभी 5 दिन तक मैं 5 एपिसोड देखूंगी, उसके बाद नेक्स्ट फ्राइडे हो जाएगा तो फिर उसके बाद 6ठा एपिसोड आ जाएगा, तो 6 एपिसोड मेरे इनर रोज चलेंगे, इट विल बी बेटर। और मैं बस उस मोमेंट का वेट कर रही हूँ जब फिरोज खान और इकरा अजीज एक दूसरे से मिलेंगे और फिर उसके बाद उनकी जो पूरी की पूरी लव स्टोरी बिल्ड होगी ना, दैट विल बी सो
हार्ट मिलते हैं। That's it guys, this was my review. Subscribe this channel. अगर आपको खुदा और मोहब्बत के और reviews देखने हैं तो पाकिस्तानी बहुत सारे उर्दू raps पर मैं reaction करती हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं recommendations में डाल दूँगी I button पे, तो आप वो देखिएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे जैसे अपडेट्स आए आप वीडियोस देख सकें। ऑन डेली बेसिस इस चैनल पे पाकिस्तान के भी वीडियोस के रिएक्शन डलते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मेरे को मत भूलना, और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो यहाँ से वहाँ जा करके मुझे सब्सक्राइब जरूर करना, स्टॉक जरूर करना। बाय बाय, दिस इज किलाया रिएक्ट।